जब से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है तब से ही देश में अनरेस्ट की सिचुएशन है। ट्रेन्स को आग लगाई जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो आ रहे हैं, वो भी क्यों? क्योंकि गलत फहमियां फैलाई जा रही है अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं, क्या गलत फहमियां हैं जो सब लोगों में फैल रही हैं, और क्या एक्चुअल रियलिटी है, क्या फैक्ट्स हैं। हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव एंड माय नेम इज अर्पिता गोयल। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ 1, 10th के बाद जो अग्निवीर सेलेक्ट होंगे उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं रहेगा बिकॉज उन्होंने 12th भी पास नहीं की होगी। बट गाइस ऐसा नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आपको 12th का एक सर्टिफिकेट देगा, 12th पास सर्टिफिकेट देगा, जिस सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकेंगे थ्रू आउट इंडिया। और ये सर्टिफिकेट आपके अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है उसमें भी काम आएगा, और अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं जो 12th के बाद आप दे सकते हैं जिसका एग्जाम, वहां पर भी यूज हो सकेगा। तो आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको 12th पास माना जाएगा। मिथ 2, जो 12th पास अग्निवीर हैं उनका फ्यूचर बहुत ही इनसिक्योर है और उनके पास आगे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। रियलिटी ये है कि जो 12th पास अग्निवीर होंगे उनके पास ब्रिजिंग कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी होगी फॉर फर्दर स्टडीज। तो वो उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, अपनी 4 साल की सर्विस के ड्यूरेशन में, वो कोई भी ब्रिजिंग कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उनके पास उसका एक सर्टिफिकेशन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, UGC ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी ये 12th पास अग्निवीर होंगे जो ब्रिजिंग कोर्सेज कर रहे होंगे उनको 50% क्रेडिट उनके कोर्स का अकेडमिक से मिलेगा और 50% क्रेडिट उन्हें उनके ट्रेनिंग से दिया जाएगा। तो उनके लिए बहुत इजियर हो जाएगा अपने लिए ब्रिजिंग कोर्स कंप्लीट करना, और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल पैकेज और बैंक लोन की स्कीम्स भी दी जाएंगी। फाइनेंशियल पैकेज में आपको सर्विस एंड होने पे 12 लाख का एक पैकेज दिया जाएगा जिसका नाम है सेवानिधि पैकेज। उसके अलावा बैंक लोन्स में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप सर्विस एंड होने पे अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपनी फर्दर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, आपके पास वो 12 लाख का एक पैकेज भी होगा, वो कॉर्पस भी होगा, उसके अलावा आपके पास बैंक लोन से प्रायोरिटी पे लोन लेने का ऑप्शन भी होगा। और साथ ही साथ जो भी फोर्सेस की जॉब है जैसे CAPF, असम राइफल्स, स्टेट पुलिस, इसमें जितने भी अग्निवीर हैं उनको 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा, उन्हें प्रायोरिटी सिलेक्शन का चांस भी मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेजर कंपनीज एंड सेक्टर्स जैसे IT कंपनीज, सिक्योरिटी, एनर्जी की कंपनीज, इन्होंने अनाउंस किया है कि दे वुड एक्चुअली प्रेफर टू हायर स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड अग्निवीर आफ्टर देयर सर्विसेज ओवर। तो ये अग्निवीर के लिए एक बहुत ही ह्यूज बेनिफिट रहने वाला है। मिथ 3, ये भी कहा जा रहा है अग्निपथ स्कीम की वजह से जो आर्म फोर्सेस की इफेक्टिवनेस है वो भी हार्म होगी। बट इन रियलिटी बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज ने इस प्रैक्टिस को टेस्ट किया है और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उन कंट्रीज की आर्मी यूथफुल एंड एजाइल हुई है। दूसरा, फर्स्ट ईयर में अग्निवीर ओनली 3% प्रपोर्शन होंगे टोटल फोर्सेज का, तो ये कोई भी हार्म नहीं करने वाला है फोर्सेज की इफेक्टिवनेस पे। तो ये जो यंग अग्निवीर होने वाले हैं इनका प्रपोर्शन बहुत कम होने वाला है एक्सपीरियंस सोल्जर्स के कंपैरिजन में, और 4 साल बाद जिन अग्निवीर को री इंडेक्ट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट किया जाएगा। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि यंग एंड एक्सपीरियंस पर्सोनल्स 50-50% रेशो में रहे, ये बहुत लंबे टाइम के बाद आने वाला है। मिथ 4, जो यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज हैं इन आर्म्ड फोर्सेस वो बहुत ही कम हो जाएगी इस अग्निपथ स्कीम की वजह से। रियलिटी ये है कि जो अभी करंट रिक्रूटमेंट होता है आर्म्ड फोर्सेस में उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब ट्रिपल रिक्रूटमेंट होगा अब आर्म फोर्सेस में अग्निपथ स्कीम की वजह से। मिथ 5, 21 साल की उम्र में यूथ इमेच्योर होता है एंड वो अनरिलायबल होगा आर्मी जैसे रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज के लिए। बट इन रियलिटी मोस्ट आर्मीज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड ऑन देयर यूथ। साथ में यूथ एंड एक्सपीरियंस सुपरवाइजर के प्रोपोर्शन को बैलेंस करके रखा जाएगा, उसको फ्यूचर में 50-50% पर ही लाया जाएगा। मिथ 6, जो आर्म्ड फोर्सेस की रेजिमेंटल बॉन्डिंग है उस पे भी इफेक्ट आएगा। रियलिटी इज कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा क्योंकि कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो बेस्ट अग्निवीर होंगे सिर्फ उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा आगे की सर्विस के लिए, तो और फर्दर बूस्ट ही मिलेगा रेजिमेंटल बॉन्डिंग को। मिथ 7, गलतफहमी ये भी है कि जो फॉर्मर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर थे उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया इसके बारे में। बट इन रियलिटी जो करंट ऑफिसर्स हैं उनके साथ पिछले 2 साल से इस स्कीम पे कंसल्टेशन चल रहा था, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने इसे फॉर्म किया है
साथ में जो फॉर्मर ऑफिसर थे उन्होंने भी इस स्कीम को वेलकम किया है। सो गाइस, वी होप कि अग्निपथ स्कीम को लेके ये जितने भी मिथ्स बने हुए हैं उनमें से कुछ गलत फहमियां आपकी आज क्लियर हुई होंगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे YouTube चैनल को, और ये नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।